नमस्कार प्यारे बच्चों, ध्यान दो कि हमारा एक समास का बिंदु है, उसमें जो कुछ पॉइंट है उस वीडियो को तो वापस देखिएगा आप। तो ये अपना समास है, ठीक है। समास का सबसे पहले जानेंगे, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपण होता है, कम करना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए समास जो है, समास शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है सम और दूसरा होता है आस। इसमें ये हलत लग रही है, ध्यान रखना, इसका मतलब शुद्ध व्यंजन है, ठीक है, ध्यान रखना है। और सम और आस को मिलाते हैं तो समास बनता है। इसमें सम का अर्थ पास में, नजदीक, और आस का अर्थ, और देखिए आस का अर्थ जो हो गया बैठना होता है, तो पास बैठना, जैसे दो मित्र होते पास बैठते हैं, दूरियां कम होती है, मन मिलते हैं, और आगे और उनका मतलब जैसे जीवन में वो एक दूसरे के सुखों के साथ बनते हैं, तो पास बैठना मित्रता। और जब दोस्त दो मित्रता होती है तो क्या होता है, एक नया सुख बनता है, कोई बात है ध्यान दें, तो दो शब्दों का पास पास बैठना, ठीक है। ये इसका शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति हुई है, और शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप करना, कम करना इसका होता है। आगे देखिए अर्थात ये परिभाषा बन गई, क्या बन गई, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर, परस्पर मतलब के आपस में मिलना, परस्पर मेल को समास कहते हैं, या परस्पर मेल से शब्द बन दो समास कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं, मेरे से ज्यादा की नोट, ध्यान रहे कि संधि में वर्णों का मेल होता है। लगभग बच्चे की जो टेंथ पास आउट है या आगे आप चाहो ट्वेल्थ के बच्चे या कोई भी है, तो ध्यान दीजिए सभी के लिए बता रहा हूं मैं कॉमन, कि संधि और समास की परिभाषा आप नवीन दूसरी जारी बारे में रटते हैं, समझते हैं, तो रट तो जाएगी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हालांकि वर्णों के मेल संधि नहीं होती है, उसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ अंतर रखना है कि दो या दो से अधिक शब्द मिले, वर्ण अगर शब्द मिल रहे हैं तो समास है, और अगर वर्ण मिल रहे हैं तो क्या है, संधि है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि संधि और समास की परिभाषा में अंतर है। तो ये देखिए, लेकिन समास में दो, समास में शब्दों का मेल होता है, समास मिलेंगे शब्द और संधि मिलेंगे वर्ण, तो ध्यान रखना है। और संधि की बात कर ले तो संधि का मैं थोड़ा समझा दूं कि दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उसको संधि आप कह देते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। क्यों, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द जिसका उच्चारण और लेखन भिन्न हो उसे संधि कहते हैं। हमने दो वर्ण मिलाए और दोनों वर्ण मिलाने के बाद में क्या हुआ, एक नया शब्द बन गया, उस शब्द क्या बना है, उस शब्द का उच्चारण अलग होना चाहिए, उसका अर्थ भी अलग होना चाहिए जो पहले वाले था। अगर शब्द के उच्चारण में और लेखन में परिवर्तन आता है तब संधि होती है, ठीक है। इसका मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यह लिख दिया, बहुत से उदाहरण ऐसे दूर मैंने हलन लगा दिया और लिख दिया मैंने अवस्था, क्या लिख दिया अवस्था। अब इसको अगर मिलाते हैं, देखो दो ये रह, ठीक है, और इधर है जो भी, तो दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो आप जानते हो कि वर्णों के परस्पर मेल संधि होती है, चलो मिलाएंगे इसको मिलाएंगे तो ये अपना बन जाएगा दुर्वस्था, क्या बन जाएगा दुर्वस्था। अब दुर्वस्था देखिए पहले क्या था दुर्वस्था, अब भी क्या है दुर्वस्था, तो वही बात है, तो इसको उच्चारण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अर्थ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बात हुई है। तो ध्यान रखिए ये संधि नहीं है, ये संधि नहीं है, तो क्या है ये, क्या है कि संयोग है, संयोग से ही शब्द बनते हैं। तो ध्यान रखिए कि संधि की परिभाषा जो जितने भी बड़ी क्लासेस है किसी भी एग्जाम की काम आती है, ध्यान रखना संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो नया शब्द बनता है तो उसके उच्चारण में और लेखन में अगर बदलाव आता है तब वो संधि बन जाता है, ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो अगर इसको हटा देते हैं, इसको हलन को हटा दिया, तो ये हलन हटाते क्या बन जाएगा, पूरा रे हो जाएगा, और ए और ए मिलके आ हो सकता है, कुछ दुरावस्था हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी क्या है ये संधि नहीं, संयोग है। युग बोध, युग और बोध दो शब्द है। अब युग बोध को अगर आप अलग अलग लिखो चाहे मिला के लिखो एक ही अर्थ रहता है, इसका मतलब वो भी संधि नहीं, क्या समास है। तो बहुत जैसे अपवाद शब्द होते हैं जिनको आप मिलाते हो संयोग से मिलते हैं, संधि नहीं होती है। संधि का मतलब जब मिलाने के बाद उसका उच्चारण में उसके लेखन में बदलाव आना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये जो हमारा मैंने समझाया इसको आप ध्यान रखें। अब बात करें इसकी, ये तो हमारे क्लियर हो गए। अब बात करें सामान्य रूप से इस समास के भेद कितने होते हैं, तो कुछ लोग पांच बताए, कोई छह बताए, कोई चार बताए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि सामान्य रूप से समास के छह भेद माने जाते हैं, ठीक है, चलिए। और पद की प्रधानता के आधार पर समास है वो चार भेद है। पद की प्रधानता, पद की प्रधानता का मतलब होता है कि पहला पद, दूसरा पद या दोनों पद या अन्य पद, इनमें से
सामान्य रूप से गिनते हैं या मानते हैं तो हमारे जो क्लासेज 12 तक की बात है तो 6 मान लेते हैं, लेकिन प्रधानता की बात करें तो 4 प्रकार के हैं। जब भी आपके लाइफ में कभी काम आए कि समास की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के भेद हैं तो 4 बताइए, ठीक है। कौन कौन से देखें जी, पूर्व प्रधान, जिस समस्त पद में जिस पद में पहला पद क्या है प्रधान है मुख्य है उसमें क्या हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाता है। और अव्ययीभाव समास आप जानते हैं कि जिस समास में पहला पद अव्ययीभाव होता है, और अव्ययीभाव क्या कहते हैं कि उस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति तो आप समझते हो पावर जो भी है शक्ति, लेकिन उसमें यथा शब्द लगा है उस यथा में कुछ भी लगाओ ई की मात्रा लगाओ आग के लगाओ तो प्रभाव नहीं पड़ता, यथा में लगता ही नहीं है। जिस शब्द पे लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता वो अव्ययीभाव होते हैं, और पहला पद अगर अव्ययीभाव है तो अव्ययीभाव समास में लगता है, यथा शक्ति यथार्थ, ठीक है, आज जन्म भरपेट सब इसके उदाहरण है। आगे फिर बात करते हैं कि जिसमें दूसरा पद, देखो एक होता पहला पद बात ऐसे कर लेंगे कि यह हमारा प्रथम पद है और यहाँ पे दूसरा पद है, तो पहला पद प्रधान वाला तो कौन सा हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो दूसरा पद कहो या उत्तर पद कहो बात देखिए, तो उत्तर पद प्रधान किसमें हो कौन सा है तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास आपके सामने आप देखिए तत्पुरुष समास है, और इसको समझने के लिए आपको मैं आपको बता दूं कारक जानना जरूरी है, जैसे कारक चिन्ह होते कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की कार्यरी अधिकरण में पर यहाँ तक की विभक्ति आपको याद है तो तत्पुरुष आपको बहुत सरलता से याद हो जाए। तब वो तो हथकड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए अगर तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से बोलते ना कर्ता ने कर्म को कर्ण से और अपदान से अलग होने के लिए के लिए ध्यान रखें इसमें। तो बात करें उत्तर पद प्रधान जो होता है उसको होता है समाज जो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज में कार्य चिन्ह आपको याद रखने पड़ते हैं। तो बात करें इसमें उत्तर पद में तत्पुरुष समास हो गया, उसके बाद बात करेंगे सीधे आ जाइए उभय पद प्रधान, पहले पद वाला अव्ययीभाव दूसरा पद वाला, जिसमें दूसरा पद इंपोर्टेंट रहेगा, जिसमें दूसरा पद ज्यादा महत्व वाला होता है इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा उभय में दोनों, मतलब पहला पद भी मुख्य है और दूसरा पद भी मुख्य है, ये क्या कहलाता है द्वंद्व समास है, द्वंद्व का मतलब संघर्ष लड़ाई, और संघर्ष लड़ाई किसमें होती है बराबर की ताकत वालों में होती है। उसी सी बात है कि उभय पद प्रधान होता है वो कौन होता है द्वंद्व समास होता है, माता और पिता, हाथ और पैर, सुबह और शाम, तो इसमें औस कारक यानी कि एक तो औस की पहचान होगी दूसरा कि दोनों पद है ना बराबर की भूमिका निभाते हैं माता और पिता, माता का उतना ही हमारे ऊपर अधिकार है और पिता का उतना अधिकार है, दोनों की भूमिका बदली बराबर है, तो दोनों पद को बराबर उसे कहते हैं उभय पद, ठीक है। तो ये आपका विश्वास हो जाएगा। आगे चलते देखिए यह है अन्य पद प्रधान, तीसरा अर्थ निकले वो होता है बहुव्रीहि समास, ये कैसे लिखा जाता है ध्यान रखना बहुव्रीहि, व्रीहि छोटा था बहुव्रीहि समास होता है, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, रूढ़ का मतलब होता है कि जो सभी के लिए एक नया अर्थ लेके से हमने कोई शब्द शुरू किया और वो शब्द अब सब जाने लग गए एक फिक्स हो गया तो वो क्या होता है रूढ़ हो जाता है, और रूढ़ अर्थ के आधार पर इसमें अन्य पद प्रधान होता है, जैसे भाई पहला पद प्रधान रहेगा यथाशक्ति तो क्या कर दोगे अव्ययीभाव समास, दूसरा पद प्रधान रहता है जैसे बात करें कि राजपुत्र राजा का पुत्र तो संबंध तत्पुरुष हो गया, ठीक है। हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, रसोई घर रसोई के लिए घर, ठीक है, तो उसमें तो तत्पुरुष समास आ रहा है दूसरा पद प्रधान है, तीसरे पद की बात करें माता और पिता भाई और बहन इसमें और शब्द आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो इसमें अन्य पद प्रधान है, इसमें पति भी तो जैसे कहते हैं लंबोदर लंबो उदर, अब उसका जिक्र कीजिए लंबा है उदर जिसका वो कौन कहलाता है श्री गणेश जी भगवान कहलाते हैं। अब गणेश का जो पेट है वो लंबा बताया, हालांकि आजकल की बात करें या किसी भी हो सकता है लेकिन उस जमाने के हिसाब से कह दिया कि जिसका उदर लंबा है वो श्री गणेश जी भगवान है, तो फिक्स हो गया रूढ़ कर दिया सभी ने उसी रूप में जाना है, तो क्या हो जाएगा ये अन्य पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास होता है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में तीन नेत्र हैं जिसके वो कौन है भगवान शिव है, सुग्रीव सुंदर है गर्दन जिसके कौन है सुग्रीव, ठीक है वानरराज, तो इस प्रकार का तीसरा अर्थ निकलता है। पीतांबर पीला है अंबर जिसका विष्णु हुआ तो वो क्या हो जाएगा चक्रपाणि, या फिर जैसे वीणा वादिनी, तो इससे क्या होता है इसका तीसरा अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो ये पद की प्रधानता के आधार पर तो चार प्रकार के मैंने बता दिए। अब बात करें
ये जो तत्पुरुष होता है इसके दो और भाग होते हैं। जैसे संज्ञा की बात कर ले, एक मिनट के लिए, संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होती है। अब भाववाचक के दो भाग और बन जाते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। उसी प्रकार से तत्पुरुष समास के भी क्या है, दो और भाग। कौन कौन से? हालांकि तत्पुरुष के बहुत से भाग होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको दो बता रहा हूँ। बहुत समास होते हैं, इत्येतर द्वंद्व समास होता है, नय समास होता है, लुप्तपद समास होता है। जितना ज्यादा दोगे उतना ही अधिक है, लेकिन आप सोच रहे सब क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए जितना आपको सिलेबस में उतना पढ़ लीजिए। तत्पुरुष समास के दो और भाग कौन कौन से? एक तो क्रमधारी, कर्मधारी, और दूसरा है देहि। दोनों सरल याद कर सकते हो। कर्मधारी में क्या होता है कि इसमें पहला पद जो होता है, यानी इसमें दोनों पदों में से एक पद कहे, प्रथम पद कहे, वो कह रहा है उपमेय होता है, और दूसरा क्या होता है, उपमान होता है। उपमेय होते, मैंने अलंकार पढ़ा दी, समझा दिए हैं, आप समझ सकते हैं कि उपमेय होते कोई भी सामान्य व्यक्ति वस्तु हो सकता है, और उपमान क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति वस्तु होता है, जो भी हो सकता है, वो विशिष्ट होता है, गुणों वाला होता है। तो सामान्य वाले की आप उससे अगर तुलना करते हैं, बराबरी करते हैं, तो हमें उपमान अलंकार होता है। उसी प्रकार से उपमेय और उपमान से जो समान होता है, कौन सा हमारा क्रमधारी समास है। जैसे चरण कमल, चरण कमल, जो चरण है वो क्या है, उपमेय, पहला पद उपमेय चरण, और दूसरा क्या है, कमल, चरण कमल। कमल के समान सुंदर जिसके पैर है वो चरण कमल कहते हैं, तो वो इस तरह से होता है। मृग नयने, मृग यानी हिरण की आंखें जो है, कि हिरण की आंखों जैसी सुंदरता, ठीक है, तो किसमें आ जाएगा, क्रमधारी में जाएगा, ठीक है। तो क्रमधारी में होगा, उसके बाद द्विगु, द्विगु का मतलब होता है, इसको पकड़ेगा वो द्विगु, दो बार गुना, इसका शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं, द्विगु का शाब्दिक अर्थ है दो बार गुना करना। तो चीज पर दो बार आ रहा है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये है कि हम इसे संख्यावाची, यानी पहला पद जो होता है संख्यावाची शब्द पद होता है। जैसे एक से ऊपरे एक काम की, एक अंक का नाटक, दो से बात करें तो दुनाड़ी हो सकती, दोहरी राजनीति हो सकती, दोहरी, दोहरी को इसमें दो दोहरा है, दो से फिर तिराह है, तीन रामों का समाहार, चौराह है, चार रामों का समाहार, और चतुर्भुज चार भुजाओं से गृह बंधा करके चतुर्भुज कहलाती है। हालांकि इसका बहुबली भी होगा, ब्रह्मा जी को जाते हैं, लेकिन वाक्य सुंदर के अनुसार होता है। तो ऐसे जो होते हैं सब होते हैं, पंच से पंचमुखी, पंचमुखी बालाजी होता है, विराट होते हैं, ठीक है, पांच मुंह वाले। उसके बाद बात करें, हालांकि बालाजी का मुख है, उसमें पंचमुखी बालाजी को हम लोग करके, और पातालों से, अहिराओं से, और उसे राम से काला जी को बजा के लाएंगे, तो आपका पंचमुखी बालाजी का एक रूप है। खैर छोटे को आप जानते हैं, मतलब है कि देखो संख्या पांच तक पहुंच के छह पे, जैसे षटकोण, ठीक है, षडानंद, कार्तिकी की बात करें षडानंद हो गया। उसके बाद बात करें सप्त से, तो सप्तऋषि, और सप्तऋषि सप्तमंडल हो जाता है। उसके बाद अष्ट की बात करें तो अष्टभुजी, ठीक है, अष्टभुज होते हैं। और उसके बाद देखिए नौ की बात करें तो जैसे नवरात्रि, नवरात्रा जो है ना, इस तरह से चलता है। तो ये आपको एक से लेकर नौ तक की संख्या मिल जाएगी, बाद में अगर मिलता है तो उसका समास अलग हो जाता है। पच्चीस की बात करो, छब्बीस की बात करो, पच्चीस में बीस और पांच और आ गया, द्वंद्व चला जाएगा उसमें, तो बाद का मैटर लगेगा। लेकिन आपको एक से लेकर नौ तक की संख्या जो मिलते हैं उनमें आपको द्विगु समास का लेकर पहला पद की संख्या होती है, दूसरा पद सामान्य जो मिल सकता है, ठीक है, याद रखना। तिराहा, तीन रामों का समाहार, चौराहा, चार रामों का समाहार, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना समास का ऐसा बिंदु जो 11th क्लास के बालकों को समझने के लिए उनका रह गया है, बाकी क्लास में भी किसी का रहा तो उसका भी पूरा हो सकता है। ये बेसिकली फर्स्ट उसका बेस है, इसके बाद जो वीडियोज है आपके पास अवेलेबल है, नई बुक का वापस कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, इसे याद करके लिखना, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।